जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्चनर के स्टॉप यूजिंग वेरी एंड यूज बेटर इंग्लिश वर्ड्स वीडियो ट्यूटोरियल में। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे कि जिससे हम यूज़ करते हैं वेरी एंग्री, वेरी हैप्पी, वेरी ब्यूटीफुल। इन वर्ड्स को वेरी को यानी कि वेरी के बाद हम कोई एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बजाय हम बेटर वर्ड्स किस तरह यूज़ करते हैं इंग्लिश में और उनसे हम अपना मीनिंग कैसे अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्चनर का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं कि आई एम वेरी एंग्री, ठीक है, कि इस मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। आई एम वेरी एंग्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ आई एम फ्यूरियस, तो ये बेटर वर्ड है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी, मैंने वर्ड यूज़ किया है जी वेरी एंग्री के बजाय फ्यूरियस का, जो कि मीनिंग भी अच्छी तरह कन्वे कर रहा है और हमारा मतलब एक वर्ड भी बच रहा है। ख़ास तौर पे जब हम फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे होते हैं या फिर हमने कोई ऐसे राइटिंग करना हो, तो हम बजाय इसके कि वेरी 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 को बार बार यूज़ करके अपने वर्ड्स को ज़ाया करें, हम उसके जगह बेटर वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्यूरियस को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वेरी एंग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने क्या यूज़ किया, हमने किस चीज़ की ट्रांसलेशन की है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आई एम वेरी एंग्री के बजाय हमने कहा कि हम यूज़ करेंगे आई एम फ्यूरियस। इसी तरह अगर हमने कहना है कि ये कमरा बहुत साफ है, ये कमरा बहुत साफ है, तो आम इंग्लिश में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दिस रूम इज़ वेरी क्लीन। लेकिन अब ज़रा नोट कीजिएगा, मैं वेरी की जगह, वेरी क्लीन की जगह एक और वर्ड यूज़ करता हूँ, तो हमारा मीनिंग कैसे अच्छे तरीके से कन्वे हो जाएगा। दिस रूम इज़ स्पॉटलेस, यानी कि बेदाग है, बिल्कुल ही कोई स्पॉट नहीं है, तब हम कहते हैं दिस रूम इज स्पॉटलेस। तो आपने देखा कि वेरी क्लीन के बजाय जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, स्पॉटलेस। और हमें भी अगर बेटर इंग्लिश बोलनी है तो हमें वेरी क्लीन के बजाय स्पॉटलेस का वर्ड यूज़ करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, यानी कि ज़हीन है, बहुत स्मार्ट है, जिसे हमने कहना है तो हम कहेंगे वो बहुत स्मार्ट है। इस चीज़ को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, ही इज़ वेरी स्मार्ट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेरी स्मार्ट के बजाय एक और वर्ड यूज़ करूँ, तो आप देखें कि मीनिंग कितना अच्छा हो जाएगा, इमोशन कैसे आ जाएगी हमारे सेंटेंस में। ही इज़ इंटेलिजेंट। तो बजाय इसके कि हम वेरी स्मार्ट का वर्ड यूज़ करें, हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंट। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो बहुत स्मार्ट के लिए हम इंटेलिजेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह लेट सपोज हम किसी करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी फिल्म के अंदर करेक्टर है, तो हम कहते हैं दैट करेक्टर इज़, मतलब वो बहुत ही बदसूरत है। वो करेक्टर कोई भी चीज़ है, कोई जिन भूत का होगा शायद करेक्टर, तो हम कहते हैं कि वो करेक्टर बहुत बदसूरत है। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट करेक्टर, करेक्टर की स्पेलिंग में ऊपर भी ठीक कर लेता हूँ, करेक्टर ऐसा कर लेते हैं, वो बहुत बदसूरत है। ऐसे किसी फर्जी करेक्टर के बारे में बात करें तो हम कह रहे हैं कि
किसी चीज़ के बारे में तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी अगली. तो बजाय इसके कि हम कहें इट इज़ वेरी अगली, मैं एक और वर्ड यूज़ करता हूँ, इट इज़ हिडियस. तो देखें मीनिंग ज़्यादा अच्छा कन्वे हो रहा है. इट इज़ हिडियस, ही इज़ हिडियस, शी इज़ हिडियस, आई एम हिडियस, यानी कि बहुत ज़्यादा बदसूरत कोई हो, कोई जिस तरह हमें कार्टून्स में नज़र आते हैं, तो हम हिडियस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो हमने देखा कि वेरी अगली के बजाय हम हिडियस का वर्ड यूज़ करेंगे. इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं और देखते हैं कि हम वेरी वर्ड के साथ जिस तरह कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं. हम जिस तरह कहते हैं लेट सपोज के बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर है, बूढ़ा आदमी बहुत कम ज़ोर है. इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कैसा कहेंगे कि द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक. अब देखें वेरी वीक के बजाय मैं एक और वर्ड यूज़ करता हूँ, द ओल्ड मैन इज़ फ्रेल. तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है, मैं अपना मीनिंग जो है अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सक रहा हूँ. फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर. तो हमने देखा वेरी वीक के बजाय हम फ्रेल का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ सकता है. इसी तरह हम कहते हैं यार वो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है यार वो, बहुत ये बड़ी अच्छे गेम्स बनाता है, कुछ भी क्रिएटिव है, क्रिएट करने वाला है, क्रिएटिव है. तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ वेरी क्रिएटिव. तो दोस्तों अब देखें कि अगर मैं क्रिएटिव की जगह एक और वर्ड यूज़ करता हूँ तो वेरी क्रिएटिव की जगह तो कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या आप लोग इम्प्रेस होते हैं कि नहीं. ही इज़ इनोवेटिव. तो हमने देखा कि वेरी क्रिएटिव के बजाय हम इनोवेटिव का वर्ड यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो वेरी क्रिएटिव नहीं कहेंगे बल्कि वो कहेंगे इनोवेटिव. जिससे हम कहते हैं यार ये फिल्म देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शायद मुझे कोई जॉब ऑफर हुई है तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इस जॉब के लिए मैं बहुत जोश पुरजोश हूँ, पुरजोश हूँ. तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे हम इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब. अब देखें यहाँ पे मैं वेरी एक्साइटेड के बजाय अगर कहता हूँ आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस जॉब या जॉब अपॉर्चुनिटी तो कैसा लगता है. तो आपने देखा कि अगर हम वेरी एक्साइटेड के बजाय थ्रिल्ड का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा मीनिंग हम कन्वे कर सकते हैं. इस जॉब के लिए मैं बहुत पुरजोश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब के बजाय अगर हम कहें कि आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ भी तो अच्छी इम्प्रेशन पड़ेगा. इसी तरह लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मैं आपको देख के बहुत मतलब खुश हूँ, ठीक है. मेरा आप कोई पुराने दोस्त हैं, हम 10 साल बाद मिले, तो मैं कहता हूँ मैं तुमको देख के मैं आपको देख कर बहुत खुश हूँ. तो आमतौर पे हम किस तरह कह जाते हैं, मैं भी ये गलती करता हूँ, क्या आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू.
आई एम वेरी ग्लैड का वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है. तो देखें, वेरी ग्लैड के बजाय अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आई एम ओवर जॉयड टू सी यू, कि तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ. ओवर जॉयड, ओवर जॉयड का मतलब होता है खुशी से, जिस तरह हम कहते हैं ना खुशी से फूले ना समाना, तो उस सेंस में यूज़ हो रहा है. तो आपने देखा कि वेरी ग्लैड के बजाय हम ओवर जॉयड का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो ओवर जॉयड का वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह दोस्तों एक और चीज़ ले लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आपका या आपका बच्चा बहुत प्यारा है, तो हम कहेंगे वेरी क्यूट के बजाय एडोरेबल. मेरे ख्याल से ये हम पुराने ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं. जैसे मैं कहता हूँ मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, यानी कि मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लुकिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है, या मैं वहाँ जाने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ईगर हूँ, यानी क्या है, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. तो मैं कहूँगा आई एम वेरी ईगर टू गो देयर. आमतौर पे तो हम इसी तरह कहते हैं ना, आई एम वेरी ईगर टू गो देयर. तो अब देखें, बजाय इसके कि मैं वेरी ईगर का वर्ड यूज़ करूँ, अगर मैं कहता हूँ आई एम कीन टू गो देयर, तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है. तो हमने देखा कि हम वेरी ईगर के बजाय कीन का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा देखने वाले पे भी, बोलने वाले का भी लगेगा कि वो फ्लुएंटली बोल सकता है, और सुनने वाले को भी लगेगा कि वाकई में इसको पता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. इसी तरह हम कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं. तो आमतौर पर हम कैसे कहते हैं, यू आर वेरी प्रिटी. तो यू आर वेरी प्रिटी के बजाय अगर मैं कह देता हूँ यू आर ब्यूटिफुल, तो देखें कि ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है. तो हमने देखा कि वेरी प्रिटी के बजाय हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, ब्यूटीफुल. यू आर वेरी प्रिटी, यू आर ब्यूटीफुल. इसी तरह हम कहते हैं कि वो बहुत शर्मीली है, वो बहुत शर्मीली है, यानी कि उसे बहुत शर्म आती है, शर्माने वाली है. तो हम क्या कहेंगे, शी इज़ वेरी शाय. तो बजाय इसके कि हम शी इज़ वेरी शाय का वर्ड यूज़ करें, हम कहेंगे शी इज़ टिमिड. तो वेरी शाय के बजाय हम टिमिड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और जो कि ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन डालता है. तो वेरी शाय के बजाय टिमिड का वर्ड यूज़ करना चाहिए, शी इज़ वेरी शाय, शी इज़ टिमिड. इसी हम मैं कहता हूँ यार मुझे 100% श्योर है, मुझे बहुत पक्का यकीन है, मुझे बहुत यकीन है कि वो आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो आएगा. तो इस चीज़ को हम किस तरह कह सकते हैं कि आई एम वेरी श्योर डैट ही विल कम, आई एम वेरी श्योर डैट He will
come. तो अब देखें कि very sure के बजाय अगर हम कहें कि I am certain that he will come तो कैसा लगेगा? तो हमने देखा कि very sure के बजाय हम certain का word use कर सकते हैं. I am very sure that he will come. I am certain that he will come. इसी तरह अगर हम कहते हैं कि खाना बहुत ही मज़ेदार है. खाना बहुत मज़ेदार है. तो इस चीज़ को हमने कहना है द फूड इज़ वेरी टेस्टी. तो बजाय इसके कि हम कहें द फूड इज़ वेरी टेस्टी, हम कह सकते हैं द फूड इज़ डेलिशियस. डिलीशियस. तो हमने देखा कि हम वेरी टेस्टी के बजाय कह सकते हैं डिलीशियस का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. द फूड इज़ डिलीशियस. द फूड इज़ डिलीशियस. इसी तरह हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि जिस समय कहता हूँ कि कि मैं वहाँ जाने के लिए बहुत तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ. मैं वहाँ जाने के लिए बहुत तैयार हूँ. तो हम क्या कहेंगे आमतौर पे जब हमने वेरी के साथ हम आम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहेंगे कि आई एम वेरी विलिंग टू गो देयर. तो बजाय इसके कि हम वेरी विलिंग का वर्ड यूज़ करें हम कहेंगे आई एम ईगर टू गो देयर तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा. बजाय इसके कि मैं वर्ड यूज़ करूँ वेरी विलिंग, मैं वर्ड यूज़ कर लूँगा ईगर. आई एम वेरी विलिंग टू गो देयर. I am eager to go there. इसी तरह दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि कोई आपने मेरे लिए अच्छा काम किया तो हम कहते हैं ना यार ये that's very sweet of you, आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई की यार ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया. ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया. तो हम क्या कहें कहते हैं ओ दैट्स स्वीट ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. ठीक है, यानी कि ये आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया. तो बजाय इसके कि हम दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कहें हम कह सकते हैं दैट्स थॉटफुल. Thoughtful of you. के यानी कि ये तो आपने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा काम किया है. That's thoughtful of you. तो दोस्तों हमने देखा कि very sweet के बजाय हम thoughtful का word use कर सकते हैं. तो ladies and gentlemen, thank you very much कि आपने मुझे इस tutorial के लिए join किया. Please video को like ज़रूर कर दें, share ज़रूर कर दें और अगर आप नए हैं तो channel को subscribe करें. इससे next video में भी हम इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें. अगर आप बाद में देख रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मैं हूँ आई फैक्चनर. मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. गुड डे. लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्चनर.